हेलो फ्रेंड, माय नेम इज करुण बहल और आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू अलाउ स्विच यूजर परमिशन टू डेडिकेटेड यूजर। जैसे कि हम सब जानते हैं कि अगर हमें एक यूजर से दूसरे यूजर में स्विच करना है तो उसके लिए हमें SU कमांड रन करनी पड़ती है। बट अगर कोई यूजर सिंपल SU या SU हाइफन कमांड रन करके रूट पासवर्ड एंटर करते तो उसको रूट प्रिविलेज मिल जाता है। देन उसके बाद वो किसी भी यूजर को एक्सेस करेगा विद द हेल्प ऑफ SU कमांड, तो विदाउट पासवर्ड प्रॉम्प्ट के वो उस यूजर को एक्सेस कर सकता है और देन उस यूजर में जो भी चेंजेस करेगा तो वो इजिली ट्रेसेबल नहीं होगा। तो इस तरह से हमारी जो सिक्योरिटी है वो ब्रीच हो सकती है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप ओनली डेडिकेटेड यूजर जो कि आपके डेडिकेटेड या VIP यूजर है वही स्विच यूजर कर सके, बाकी जितने भी आपके नॉर्मल यूजर हैं वो स्विच यूजर ना कर सके। चाहे उनके पास रूट का पासवर्ड हो चाहे किसी अदर यूजर का पासवर्ड हो, फिर भी वो आपके लिनक्स मशीन में SU कमांड रन नहीं कर पाएंगे। तो प्रैक्टिकली मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप ये प्रोसेस इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जिस भी यूजर को SU परमिशन देनी है उसके लिए आपको उस यूजर को व्हील ग्रुप का मेंबर बनाना होगा। जैसे कि मेरे पास दो यूजर हैं, एक यूजर है करुण और एक यूजर है कार्तिक, तो मैं करुण यूजर को SU परमिशन अलाउ कर रहा हूँ और कार्तिक यूजर को SU परमिशन ब्लॉक कर रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग करुण यूजर को व्हील ग्रुप का मेंबर बनाएंगे। तो ग्रुप का मेंबर बनाने के लिए हम कमांड यूज करेंगे यूजर मोड हाइफन जी देन ग्रुप नेम देन यूजर नेम। देखिए हमारा जो करुण यूजर है वो व्हील ग्रुप का मेंबर बन चुका है। चेक करने के लिए आप ID कमांड यूज कर सकते हैं। तो देखिए आपके जो ग्रुप्स हैं वो करुण प्राइमरी ग्रुप है और व्हील ग्रुप का मेंबर है। तो इस तरह से आपको पता चल गया कि करुण यूजर सक्सेसफुली मेंबर बन चुका है व्हील ग्रुप का। और अब आपको एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल में चेंजेस करनी होगी ताकि जो भी यूजर अदर यूजर होंगे उनको SU जो परमिशन है वो ब्लॉक हो जाए। तो उसके लिए आप लोगों को फाइल ओपन करनी होगी VI एडिटर में, VI ETC के अंदर PAM.D के अंदर SU फाइल ओपन करनी है। और जब आप फाइल ओपन करेंगे तो आपको I प्रेस करना है फॉर ओपन द इंसर्ट मोड। और ये जो आपको ओथ के आगे जो आपका हैश प्रॉम्प्ट दिख रहा है इस हैश प्रॉम्प्ट को आपको रिमूव करना है। ये हैश प्रॉम्प्ट आपको रिमूव करना है। जैसे ही आप ये हैश प्रॉम्प्ट रिमूव करके फाइल को सेव करेंगे तो आपका जो SU परमिशन है वो इंप्लीमेंट हो जाएगा इमीडिएटली। तो अब करुण यूजर ही ओनली SU कमांड को फायर कर सकता है, बाकी जितने भी यूजर होंगे वो SU कमांड को यूज नहीं कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको चेक कराता हूँ। जैसे हम लोग कार्तिक यूजर को एक्सेस करते हैं, ठीक है, तो अब कार्तिक यूजर अगर SU कमांड रन कर रहा है और रूट का पासवर्ड एंटर कर रहा है तो वो स्विच यूजर नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास परमिशन नहीं है। तो देखिए एरर आ गया, परमिशन डिनाइड। और अगर हम करुण यूजर के पास जा रहे हैं और करुण यूजर SU हाइफन रन करता है तो रूट यूजर का पासवर्ड डालता है आपका। तो देखिए करुण यूजर इजिली रूट यूजर में एंटर हो गया क्योंकि आपने करुण यूजर को अलाउ कर रखा था कि वो स्विच यूजर कमांड एग्जीक्यूट कर सके। तो इस तरह आप लोग जिस यूजर को स्विच यूजर परमिशन देना चाहते हैं तो उसको परमिशन दे सकते हैं और बाकी जितने भी यूजर होंगे वो ऑटोमेटिकली ब्लॉक कैटेगरी में एड हो जाएंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और मेरी चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।